लेक्चर नंबर 9 की स्टेटमेंट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए बाउंडेड फंक्शन एफ टू बी इंटीग्रेबल ऑन ए क्लोज डबल ए बी इज दैट टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मीनिंग क्या है? अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है, ये क्या कह रहा है, ये जो फंक्शन है अगर इंटीग्रेबल है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फंक्शन इंटीग्रेबल। इस तरह आपने थ्योरम को ध्यान में रखना है। तो कंडीशन इज नेसेसरी, लेट f be इंटीग्रेबल ऑन क्लोज डबल ए बी, और ये हमें मालूम है अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो जो लोअर रिमान इंटीग्रल है, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों सेम आते हैं, और सेम आते हैं तब बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या लिखेंगे, a to b f dx, सिंपल इंटीग्रल लिखेंगे इसमें। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सिंस द लोअर एंड अपर इंटीग्रल आर लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेस लोअर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम्स एंड अपर सम्स रिस्पेक्टली देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन p1 एंड p2 देयर एग्जिस्ट पार्टीशंस दो पार्टीशंस हैं p1 एंड p2 ऑफ क्लोज डबल ए बी सच दैट लोअर सम ऑफ फंक्शन और पार्टीशन p1 इज ग्रेटर देन इंटीग्रल फ्रॉम a बार टू b f dx माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2। एक कोई पार्टीशन ऐसा आएगा जो इसको फॉलो करेगा, क्योंकि फंक्शन इंटीग्रेबल है तो बाहर की जरूरत नहीं है, a बार a के बराबर होगा, इसको लिखेंगे a to b f dx minus epsilon upon 2। आप स्टूडेंट क्या करना, आपने इसको minus epsilon upon 2 को आपने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके दोनों टर्मों को रिवर्स कर देना, रिजल्ट आएगा इंटीग्रल फ्रॉम a to b f dx is less than lower sum of function f or partition p1 plus epsilon upon 2। उसी तरह जो दूसरा पार्टीशन है वो इस तरह पार्टीशन होगा ताकि अगर अपर इंटीग्रल में कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऐड करें तो वो इससे क्या लेस देन होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो बार की यहाँ जरूरत नहीं है, बी बार किसमें चेंज हो जाएगा बी में। फिर हमें क्या लेना है, एक नई कोमर रिफाइनमेंट लेनी है, उसका नाम है कैपिटल पी इक्वल टू पी वन यूनियन पी टू विद अ कोमर रिफाइनमेंट देन वी कैन राइट अपर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर रिफाइनमेंट पी इज लेस देन अपर सम ऑफ द पार्टीशन दिस इज लेस देन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2। ये रिजल्ट, ये वाला जो रिजल्ट है वो हमने यहाँ कोट कर दिया है। ये क्या बेटा, ये रिफाइनमेंट है, ये पार्टीशन है, जो रिफाइनमेंट का अपर सम पार्टीशन से हमेशा कम होगा, और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकाली हुई है, वो वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देना। लेकिन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स की देखिए नंबर वन में जो है ये वैल्यू पुट कर देना, पुट करने के बाद ऐसा रिजल्ट आएगा, इनको ऐड कर देना, दिस इंप्लाइज अपर सम इज लेस देन अपर सम ऑफ फंक्शन एफ और पार्टीशन पी इज लेस देन लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ और पार्टीशन पी वन प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2। लेकिन लोअर सम ऑफ एफ पी वन इज लेस देन लोअर सम ऑफ एफ पी, तो आगे नेक्स्ट आएगा अपर सम यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये तो था नेसेसरी कंडीशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसमें जो सफिशिएंट कंडीशन है, नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज डोमेन ए बी इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट नंबर आई सच दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट अपर सम माइनस आई इट्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन and i minus l is mod is less than epsilon। तो first हम आते हैं, condition is necessary। necessary में अब हमें ये assume करना है, ये जो function क्या है, ये integrable है। let f be integrable on closed interval a b then for a given real number epsilon greater than 0 there exists a partition p such that upper sum minus lower sum is less than epsilon number 1। ये जो पीछे थ्योरम जिसका प्रूव किया था ये उसकी कंडीशन, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो अपर सम माइनस लोअर सम
वो किसके बराबर आता है, लेस देन एप्सिलॉन, वो हम यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेबल है तो ये रिजल्ट ट्रू होगा। अब हमें क्या करना है, ये लोअर सम है, ये अपर सम है, बीच में कोई आपने एक पॉइंट और लेना है जिसका नाम रखना आई। तो लेट आई बी ए नंबर बिटवीन लोअर सम एंड अपर सम, देन अपर सम माइनस आई, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ की हम बात कर रहे हैं, ये लेंथ इस टोटल लेंथ से कम है, दिस इज लेस देन अपर सम माइनस लोअर सम, और ये हमें मालूम है ये लेंथ कितनी है, लेस देन एप्सिलॉन, ये नंबर वन से हमें माना हुआ है। सिमिलरली ये जो डिफरेंस है आई माइनस दिस या एल एफ पी माइनस आई, इसका हमें मॉड लेना है, तो ये जो लेंथ है ये भी इससे कम है, तो सिमिलरली आई माइनस एल एफ इट्स मॉड इज लेस देन यू एफ पी माइनस एल एफ पी, और ये क्या लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है, तो दिस इंप्लाइज तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये रिक्वायरमेंट थी, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो कभी ये रिजल्ट ट्रू होगा। अब दूसरा पार्ट, कंडीशन इज सफिशिएंट, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन p ऑफ ab सच दैट अपर सम माइनस i दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 एंड i माइनस lfp लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, ये कंडीशन जो है किसी में हम एप्सिलॉन अपॉन 4 भी ले सकते हैं, जो एंड आएगा एंड में जब आंसर मैच करना है उसके लिए अजम्पशन हम चेंज करते रहते हैं। नाउ अपर सम माइनस लोअर सम इट्स मॉड, माइनस आई और प्लस आई कर दो, इनको अलग अलग कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये आती है एप्सिलॉन अपॉन 2, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये भी एप्सिलॉन अपॉन 2, इनको ऐड कर देना, अपर सम माइनस लोअर सम, और ये किसके बराबर आता है, लेस देन एप्सिलॉन, और दिस इंप्लीज फंक्शन एट इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये स्टूडेंट था लेक्चर नंबर 9 रिमांटिकल के ऊपर। थैंक यू स्टूडेंट।